आज का जो हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक में वो है डेट टाइम लाइब्रेरी फंक्शन, और इसमें कुछ फंक्शंस के नाम दिए हुए हैं जो डेट और टाइम को हैंडल करते हैं। आइए ऑब्जेक्ट ब्राउजर में देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम डेट और टाइम को देख सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर हम डेट या टाइम, डेट टाइम लाइब्रेरी फंक्शन जो दिख रहा है ये आपका, अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कई सारे फंक्शंस दिख रहे हैं, जैसे डेट ऐड, डेट डिफरेंस, दो डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है ये, और इस प्रकार से डे, आवर, मंथ, मिनट, टाइम सीरियल, बहुत सारे फंक्शंस है, ईयर, वीक, डे, टाइम सीरीज, जैसे बहुत सारे फंक्शन है। तो कुछ फंक्शंस को हमने जो यहाँ लिख रखा है उसे देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या काम करते हैं। इसको यूज करने के सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर डीटी पिकर लगाएंगे। डीटी पिकर कैसे लगाते हैं ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 2.6, इसको याद रखना है आपको। अप्लाई करते ही यहाँ पर देखिए डीटी पिकर आ जाता है। डीटी पिकर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि डेट और टाइम हम यहाँ पर काफी आसानी से देख सकते हैं। तो डीटी पिकर का काम ही होता है डेट टाइम, डीटी मतलब होता है डेट टाइम पिकर, और इसका फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डीटी पिकर का यहाँ जो आपको फॉर्मेट दिया, वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और फॉर्मेट यहाँ पर हम लेते हैं लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट आप जब सॉरी ओके हम शॉर्ट डेट ही ले लेते हैं। दो डीटी पिकर लेते हैं, एक डेट के लिए लेंगे और एक टाइम के लिए ले लेते हैं। ये आपका डेट है और ये एक आपका टाइम है। तो टाइम के लिए हम यहाँ पर करेंगे डीटी पिकर टाइम। अब हम यहाँ पर दो बटन बना लेते हैं या सारे बटन्स को यहाँ पर बना करके देख सकते हैं। पहले मैं डेट के लिए यहाँ पर तीन बटन बनाता हूँ, पहला नाउ, दूसरा रहेगा आपका ईयर, ये रहेगा मंथ, ये रहेगा आपका सेकेंड, ईयर मंथ और सेकेंड। वैसे ही टाइम के लिए यहाँ तीन बनाते हैं, आवर, मिनट और सेकेंड। पहले मैं यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नाउ, यहाँ पर लिखते हैं ईयर, अगला रहेगा मंथ, अगला रहेगा डे, अगला रहेगा आवर, सेकंड। तो यहां पर हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसका ईयर निकाल के ये रिटर्न करेगा, ये मंथ निकालेगा और ये डे निकालेगा। अभी फिलहाल डेट है 12/16/2020, तो ईयर पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट में 2020 आएगा, मंथ पे क्लिक करेंगे तो आएगा आपका ये 12, अभी मंथ 12 चल रहा है, ये MMDDYY फॉर्मेट है। डे करने पर 16 आएगा, क्लियर है। इसको और क्लियर दिखना चाहते हैं तो हम इसका फॉर्मेट सही में ऐसा लॉन्ग डेट कर देते हैं, ऐसे भी हमको समझ में आएगा कि दिसंबर 16, तो इससे डेट मंथ और आसानी से समझ में आएगी, क्लियर है। तो कोड करते हैं, सबसे पहले नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और याद रखिए कि हमको जो आउटपुट है वो मैसेज बॉक्स में दिखाना है, इसलिए मैसेज बॉक्स लिखा, और मैसेज बॉक्स में इसका डेट दिखाना है तो इसका नाम जो है वो है डीटी पिकर वन, इसका नाम है डीटी पिकर टू। तो डीटी पिकर वन से मैं वैल्यू लूंगा, और सबसे पहले तो नाउ फंक्शन लगाते हैं, नाउ के लिए डीटी पिकर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम लोग रन करेंगे और नाउ पे क्लिक करेंगे तो आज का जो डेट और टाइम है दोनों यहाँ पर डिस्प्ले करेगा मैसेज बॉक्स में। आज जो कंप्यूटर में डेट यहाँ पे चल रही है और
जो भी डेट हमारे कंप्यूटर में सेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। सेम वैसे ही अब ईयर फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या काम करेगा। ईयर को भी हम मैसेज बॉक्स में दिखाएंगे, मैसेज बॉक्स ईयर। अब हमको इसमें डेट देना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीटी पिकर वन में जो भी डेट दिया रहेगा वो ले लेंगे उसकी वैल्यू, और हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसका ईयर निकाल के हमको यहाँ पे रिटर्न करेगा और वो मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा। तो रन करते हैं और देखते हैं, अभी यहाँ पर जो ईयर है वो 2020 है, आउटपुट में क्या आया यहाँ पर 2020। यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं, चलिए ये हमने डेट चेंज कर ली, अब जो ईयर है वो चेंज हो गया है 2021। सेम इसी तरीके से हम मंथ और डे की भी कोड कर सकते हैं, देखते हैं कैसे कोड करेंगे। मंथ में जाएंगे, सेम कोड होगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, केवल फंक्शन का नाम चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ और यहाँ पर हम लिखेंगे डे। सेम ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ डीटी पिकर टू लेंगे क्योंकि जो आवर है वो दूसरे पर। कंट्रोल पर है, यहाँ पर रहेगा मिनट, यहाँ पर रहेगा सेकेंड। यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि डीटी पिकर टू लिए हमने। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा। अभी यहाँ पर ये आपका आउटपुट दिख रहा है और इधर कोड है। देखिए नाउ लिखने पर आज का डेट और टाइम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ईयर लिखने पर यहाँ से ईयर, इसमें जो भी ईयर है आप ईयर चेंज करिए 2021। मंथ चेंज करिए, देखिए अभी जनवरी है तो आया वन। अगर आप ये लेते हैं तो देखिए दिसंबर है तो आएगा, सॉरी ये ईयर पे क्लिक कर दिया, दिसंबर लेने पर 12 आएगा। वैसे ही डे लेने पर क्या आएगा, देखिए 23। यहाँ पर जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट में से डे मंथ और ईयर निकाल करके रिटर्न करेगा और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टाइम क्या हो रहा है अभी, क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई टाइम दे दिया तो यहाँ पर जो आवर है वो 9:56 और सेकंड जो है वो 2 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डेट और टाइम फंक्शन के द्वारा डेट और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम लाइब्रेरी फंक्शन की वजह से हो रहा है। कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे कन्वर्शन के लिए फंक्शन दिए हुए हैं। एक फंक्शन आप देखे होंगे वेल फंक्शन आपने देखा होगा, जो मैसेज बॉक्स में मैं लिख देता हूं वेल टेक्स्ट 1.txt। ये उसकी वैल्यू को टेक्स्ट वन में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी वैल्यू निकालता है या नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए कोड को ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। लेकिन अगर मैं वेल नहीं लिखता हूँ, इस वेल का यूज यहाँ पर नहीं करता हूँ, तब क्या होगा। अगर इसको यूज यहाँ पर नहीं करते हैं तब मैं अगर यहाँ पर 5 लिखूं तो देखिए क्या होगा, ये एज ए टेक्स्ट होगा और तब 5 प्लस, अच्छा वेल कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर अगर मैं 52 कर देगा, या 5A लिखने पर देखिए क्या कर रहा है, 582 कर रहा है, या इसको अगर मैं प्लस भी कर दूं तो ये 5A लिखने पर क्या करेगा, डेटा टाइप मिसमैच, इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है और ये जो है वो क्या है, नंबर है, दोनों को ऐड नहीं कर सकते।
ऐड करने के लिए हमको सेम डेटा टाइप रखना पड़ेगा, वेल यहाँ पर रख लिए। अब ये देखिए 7 आउटपुट आ रहा है। ये जो आपका आउटपुट है वो 7 पे आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है इसको वेल लिख करके। क्लियर। ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस थे जिसको हमने देखा ऑब्जेक्ट ब्राउजर पर भी। अब ऑब्जेक्ट ब्राउजर पर ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को देख सकते हैं, और बहुत सारे और भी लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे वीक डे, और वीक डे नेम भी होता है जो अभी हटा रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा आप डेट वैल्यू, डेट सीरियल, डेट डिफरेंस, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल देता है वो, डेट ऐड, दो नंबर को, दो डेट को में एक नंबर ऐड कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स नीचे दिख रहा है देखिए, और ये क्या काम करता है ये भी आपको दिख रहा है। तो दो डेट के बीच में डिफरेंस, जैसे आपको एज कैलकुलेट करनी है तो डेट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारे देखिए कन्वर्शन के, बहुत सारे कन्वर्शन के लिए सी बूल मतलब बुलियन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट बाइट, कन्वर्ट करेंसी, कन्वर्ट डेट, कन्वर्ट इंट, लॉन्ग, ये कन्वर्शन के फंक्शंस हैं इतने सारे। उसके बाद डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट या बहुत सारी लाइब्रेरी आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। फाइल सिस्टम से संबंधित बहुत सारी लाइब्रेरी है, ड्राइव, चेंज डायरेक्टरी, और किल किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, फाइल लेंथ, फाइल डेट टाइम, फाइल कॉपी, इस तरीके से आप बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें देख भी सकते हैं मेन्यू से रिलेटेड। अब देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है और काफी ज्यादा फंक्शंस है। इसके अलावा आप खुद की भी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी बनाने की सुविधा भी है। आप यहाँ पर जा करके न्यू प्रोजेक्ट में जा करके ये दिख रहा है एक्टिव एक्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसमें आप कुछ लाइब्रेरीज क्रिएट करके खुद की लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी और ये सारी चीजें भी आपको इसमें ऐड करने की सुविधा मिलेंगी। ये थे लाइब्रेरी फंक्शंस। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।